है दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो पे बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में जिसे आप लोग 20,000 के अंदर परचेस करवाओगे। और दोस्तों, आप लोग भी 20,000 के अंदर एक बढ़िया सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो और अभी के टाइम पे 20,000 के अंदर बहुत सारा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो कौन सा स्मार्टफोन या कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ जाना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोनों को सिलेक्ट किया है जिनमें टॉप 9 लेवल का कैमरा दिया गया है सोनी सेंसर ओएस के साथ, जिससे आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, एमोलेड डिस्प्ले के साथ कर्व डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट और बाकी सब स्पेसिफिकेशन टॉप 9 लेवल का देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है Realme P1 Pro। 20,000 के अंदर कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली Realme P1 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस 3D का OLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz रिफ्रेश को 2950 का PWD मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा और 3D VC कूलिंग चेंबर दिया गया है। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की है, जो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी LYD600 सेंसर के साथ और OIS का सपोर्ट दिया गया है, 8 MP का अल्ट्राहट और 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 45W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, Realme UI 5.0 पे बेस्ट है। IP65 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है और स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन एंड बिल्ड बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाता है। और प्राइस का बात किया है तो 8GB रैम 128GB रैम अभी के टाइम पे 22,000 रुपीज में देखने को मिलेगा, डिस्काउंट लगा के 20,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है IQ Z9 5G। 20,000 के अंदर IQ के तरफ से पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली IQ Z9 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को, 1800nitpick brightness मिल जाता है, HDR10% सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात किया है तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7200 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 4nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, 7,30,000 के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है, 8 5G का सपोर्ट दिया गया है, LPDDR4X रैम EFS 2.3 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात की है तो स्मार्टफोन के पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा सोनी IMX882 सेंसर के साथ, 2 MP का डेप्थ और 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाता है, स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाएगा, 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 44W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, फांटा जोएस पे बेस्ट होगा, 2 साल के OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइनेबल क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, 8GB रैम 128GB वेरिएंट 18,000 से लेकर 20,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है Poco X6। 20,000 के अंदर एक अल्टीमेट लेवल का स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली Poco X6 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को, 1800nitpick brightness मिल जाता है, Dolby Vision का सपोर्ट, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, 12-bit कलर डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात की तो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 7S Gen 2 का चिपसेट मिल जाता है जो 4nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, 6 लाख के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है, 10 5G का सपोर्ट दिया गया है, LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया है तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 64 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है OIS के साथ, 8 MP का अल्ट्राहट, 2 MP मैक्रो और 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे, कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है, 5100mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67W फास्ट चार्जिंग को, 0-100% चार्ज 44 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, MIUI 14 पे बेस्ड है, IR ब्लास्टर का सपोर्ट, IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाता है,
स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और प्राइस की बात की जो 8GB रैम 256GB वेरिएंट 21,999 रुपीस में मिल जाएगा, डिस्काउंट लगा के 20,000 के अंदर मिलेगा। नंबर टू पे आता है मोटोरोला H50 फ्यूजन। मोटोरोला के तरफ से स्टॉक एंड्रॉइड क्लीन यू एक्सप्रेस के साथ आने वाला एक बढ़िया सा लेटेस्ट कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली मोटोरोला H50 फ्यूजन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस 3D का POLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 144Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट को, 1600 ब्राइटनेस दिया गया है, HDR10 प्लस का सपोर्ट, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और परफॉर्मेंस का बात की जो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का चिपसेट मिल जाता है जो 4nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 12 5G का सपोर्ट दिया गया है, 6 लाख के ऊपर एंड्रॉइड को निकल करता है, LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो स्मार्टफोन के पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी LYD 700C सेंसर के साथ और OIS का सपोर्ट दिया गया है, 13MP का अल्ट्रा वाइड 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाए ये स्मार्टफोन में। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 68W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, हेलो UI पे बेस्ड है, 3 साल का OS अपडेट, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा। स्मार्टफोन में IP68 का वाटर एंड डाइजेशन रेटिंग मिल जाता है। एडमोस की तरफ से TDO स्पीकर दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की जो 8GB रैम 128GB वेरिएंट 23,000 में देखने को मिलेगा, डिस्काउंट लगा के 21,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर वन पे आता है OnePlus Note 3। ये स्मार्टफोन 33,000 में लॉन्च हुआ था बट अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन 20,000 के अंदर देखने को मिल रहा है। और आप लोगों को 20,000 के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.74 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को, 1450 नीट पिक ब्राइटनेस, HDR10 प्लस का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाती है, ड्रैगन 12 क्लास का प्रोटेक्शन मिल जाती है और स्मार्टफोन का पीछे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। और परफॉर्मेंस का बात करें तो MediaTek की तरफ से Dimensity 9000 का 5G चिपसेट आती है जो 4nm आर्किटेक्चर में बेस्ड है, 950,000 के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है, 8 5G का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जाए तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो और 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में सोनी की तरफ से IMX890 का सेंसर मिल जाती है, 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 80W फास्ट चार्जिंग को, 0-100% चार्ज 32 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, ऑक्सीजन OS पे बेस्ड है, IP54 का वाटर एंड डाइजेशन रेटिंग, NFC का सपोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाती है, LPDDR5X RAM, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप। और प्राइस की बात की जो 8GB RAM 128GB अभी के टाइम पे 20,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा।